एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग स्टील हीरो को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि कियो ने आवर क्रिस्टल को दूसरे साइड से सील कर दिया था, इसी वजह से वो वापस नहीं जा सकता था। और वहीं पे दूसरे साइड हम लोग फिलो को देखते हैं जिसे किसी ने पकड़ लिया होता है। और आगे कुछ टाइम के बाद हंटिंग हीरो जिन लोगों को जानता था उन लोगों से जाके मिलता है, पर वो लोग सील हीरो को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि उन लोगों को लगता है सील हीरो एक डेविल है। और इसी के साथ साथ सील हीरो एक अपना बल्ट नाम के एक रैबिट से मिलता है जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है बिल्कुल फिटोरिया की तरह। और यहाँ पे आगे सील्ड हीरो हंटिंग हीरो का सिकिगामे देखता है और उसको सिकिगामे के बारे में पता चलता है जब तो वो रेफ्टलिया के एक हेयर से और अपना बल्ट के मैजिक पावर के मदद से वो अपना भी एक सिकिगामी वहाँ पे समन करता है। सील्ड हीरो और हंटिंग हीरो दोनों ही अपने अपने सिकिगामीज के पावर के मदद से ग्लास और फिलो का लोकेशन पता करते हैं, और जिसके बाद उन दोनों को पता चलता है जो ग्लास और फिलो है दोनों एक ही लोकेशन पे है, तो इसी वजह से अपना बल उन सबको उस लोकेशन पे टेलीपोर्ट कर देता है। और आगे कुछ टाइम के बाद सील्ड हीरो को फिलो का लोकेशन मिल जाता है और सील्ड हीरो को पता चलता है फिलो को किसी ने पकड़ के रखा है, तो इसी वजह से सील्ड हीरो को उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो उस टाइम पर कुछ नहीं करता। जब रात होता है तो वो फिलो के पास जाके फिलो को बचाता है और साथ ही साथ जिसने फिलो को पकड़ के रखा था उसको अपने सील के मदद से बहुत ही ज़्यादा डराता है। नेक्स्ट डे सील हीरो को पता चलता है वो अभी के टाइम पे रेफ्टलिया का किसी भी तरीके का कोई स्टेटस वो नहीं देख पा रहा है। और वहीं पे दूसरे साइड हम लोग देखते हैं जहाँ पे कियो ने रेफ्टलिया और साथ ही साथ जो ग्लास का ग्रुप है उसको पकड़ के रखा था। जो रेफ्टलिया है वो आगे कुछ टाइम तक ग्लास के ग्रुप के साथ बात करता है और सब कुछ बता देता है जो अभी तक हुआ है। और आगे रेफ्टलिया के वजह से ग्लास के ग्रुप को पता चलता है कि सील्ड हीरो ने किस तरीके से हंटिंग हीरो का हेल्प किया है, और ये सारे बातें सुनने के बाद ग्लास वादा करता है वो लोग ज़रूर से सील्ड हीरो का हेल्प करेंगे। और जो रेफ्टलिया है वो अब एक प्लान बनाता है यहाँ से निकलने का, जिसमें वो लोग एक गार्ड को बेवकूफ़ बना के वहाँ से निकल जाते हैं भाग के। और आगे नेक्स्ट डे जो रेफ्टलिया और ग्लास का टीम है वो लोग एक साथ मिलके अपने जो लेवल्स है उन सबको अपग्रेड करता है। नेक्स्ट डे ग्लास और उसके टीम को पता चलता है एक लेजेंडरी वेसल वेपन के बारे में जिसको देखने के लिए वो लोग जाते हैं, और उस वेपन को जो काजुकी है वो निकलने के लिए आया था, पर काजुकी उस लेजेंडरी वेपन को निकलता इससे पहले ही वो लेजेंडरी वेपन अपने आप टेलीपोर्ट होके रेफ्टलिया के हाथ पे चले जाता है। और इसी वजह से जो काजुकी है वो सारे गार्ड्स को रेफ्टलिया को पकड़ने के लिए कहता है, पर जो रेफ्टलिया है वो उस लेजेंडरी वेपन को लेके भाग जाता है। और आगे कुछ टाइम के बाद रात को वो लेजेंडरी वेपन अपना सारा पावर थोड़ा थोड़ा करके देने लगता है रेफ्टलिया को, और कुछ समय के बाद रात को रेफ्टलिया को इतना ज़्यादा पावर मिल जाता है कि वो उस लेजेंडरी वेपन के मदद से जो काजुकी है उसको एक अटैक में हरा देता है। पर जो काजुकी है वो अपने साथ कुछ टाइगर्स को कंट्रोल करके लेके आया था, और वो टाइगर्स रेफ्टलिया के ऊपर अटैक तो करते हैं पर रेफ्टलिया बहुत ही आसानी से अपने शॉट के मदद से उन टाइगर्स को मार देता है। रेफ्टलिया उन टाइगर्स को मारने के बाद वो जाके काजुकी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, और फिर उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। और उसको जाते समय उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल टाइगर काजुकी का आके अटैक करता है, पर रेफ्टलिया को उस टाइम पे बचाने के लिए सील्ड हीरो आ जाता है, और जो फिलो है वो और हंटिंग हीरो दोनों मिलके उस टाइगर को मार देते हैं। और इसी के साथ साथ जो सील्ड हीरो है वो रेफ्टलिया को दोबारा वापस पाके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और ये जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है।